आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा 35 घंटे के बंदी में कराया जाएगा सैनिटाइजेशन, आवश्यक सेवाओं पर नहीं रहेगा कोई प्रतिबंध। चुनावी रंजिश में चली गोली के 16 आरोपियों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद किए अवैध असलहे, एसपी साउथ ने कहा सभी अभियुक्तों पर होगा गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्यवाही। 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू। शहर के विभिन्न चौराहों पर हुआ बैरिकेडिंग, तैनात रही पुलिस। कोरोना काल में फुटकर मार्केट में नींबू के दामों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए बढ़ी नींबू की डिमांड। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक, कहा साप्ताहिक बंदी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कराए सैनिटाइजेशन का कार्य, लोगों को करे जागरूक, कराए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, लगवाए मास्क। कोरोना काल में बढ़ी नींबू की डिमांड, फुटकर में 10 रुपए प्रति नींबू तथा थोक में 4 रुपए बिक रहा है नींबू। अड़ातियों ने कहा नींबू की नहीं है कोई कमी, कालाबाजारी पर प्रशासन लगाए रोक। एसपी सिटी के नेतृत्व में मोहद्दीपुर चौराहे पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, वसूला गया जुर्माना, लोगों से की अपील, कहा मास्क लगाकर निकले घर से बाहर नहीं तो काटा जाएगा 1000 से लेकर 10000 रुपए तक का जुर्माना। गोरखपुर में शनिवार को मिले 576 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 27,936। अब तक 380 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 5,321 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। रविवार की साप्ताहिक बंदी पर बोले एसपी सिटी सोनम कुमार, कहा महानगर में 30 जगहों पर किया जाएगा बैरिकेडिंग, तैनात किए जाएंगे पुलिसकर्मी। नागरिकों से की अपील, साप्ताहिक बंदी का करे पालन, बेवजह घूमने वालों पर होगी विधिक कार्रवाई। एसएसपी ने किया पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण, पुलिस आवास, बैरक, सड़क नाली सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार, 12 बोर का एक देसी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस किया बरामद। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहित 65 केंद्रों पर किया गया कोविड-19 का वैक्सीनेशन, सीएमओ ने कहा मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बंद की गई ओपीडी की सेवाएं। और कोरोना काल में भी सब्जियों के दामों में नहीं देखी गई तेजी, दाम रहे सामान्य, आवक है भरपूर, अफवाहों से रहे दूर।